भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के पास बेहिसाब दौलत है। यही वजह है कि उनके पास भारत का सबसे महंगा और लग्जरी सुविधाओं से भरा हुआ घर एंटीलिया है। इस घर के बारे में आपने पहले भी कई आर्टिकल्स या वीडियोस में पढ़ा और सुना होगा, लेकिन आज हम आपको मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बेटी ईशा अंबानी के घर गुलीटा के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है सुरभि और आप देखना शुरू कर चुके हैं dilladdu.com। ईशा अंबानी का यह घर उन्हें उनके ससुर यानी पति आनंद पीरामल के पिता ने गिफ्ट में दिया है। ईशा का यह घर पिता मुकेश अंबानी के घर से कम नहीं है। इसमें कई सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। सूत्रों के माने तो इस घर की कीमत पूरे 450 करोड़ रुपए है। ईशा का यह बंगला 50,000 स्क्वायर फीट में फैला है। यह एक सी फेसिंग घर है, मतलब खिड़की से ही आपको समुद्र का नजारा दिख जाता है। दरअसल यह घर पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर का था। 2012 में पीरामल ग्रुप ने इसे 450 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। इस घर में टोटल 5 मंजिलें बनी हुई हैं। इसमें 3 बेसमेंट, 2 पार्किंग और सर्विस फैसिलिटी है। ईशा के बंगले के ग्राउंड फ्लोर में एक आकर्षक एंट्रेंस लॉबी भी है। ऊपर के मंजिलों में लिविंग रूम, मंदिर और डाइनिंग हॉल बने हैं। इसमें ट्रिपल हाइट मल्टीपर्पस रूम और बेडरूम सर्कुलर स्टडी रूम भी मौजूद है। इसके अतिरिक्त आपको गुलीटा में लॉन्ज एरिया, ड्रेसिंग रूम और सर्वेंट क्वार्टर भी मिल जाएगा। इस बंगले के अंदर कांच का भी खूब काम किया गया है, इसी से इसकी सुंदरता में 4 चांद लगता है। इस बंगले को लंदन की इंजीनियरिंग फर्म ने डिजाइन किया है। वहीं इसे रेडी करने में इंजीनियर एका रसले ओकालेगन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बंगले के स्ट्रक्चर स्टील से बनाए गए हैं। इन्हें बनाने के लिए 3D मॉडलिंग टूल का उपयोग किया गया है। ईशा के गुलीटा बंगले की तुलना उनके पिता मुकेश अंबानी के एंटीलिया से करें तो दोनों में काफी अंतर देखने को मिल जाएगा। एंटीलिया में 27 मंजिलें हैं तो गुलीटा सिर्फ 5 मंजिला ही है। गुलीटा 50,000 स्क्वायर फीट में फैला है, जबकि मुकेश अंबानी का एंटीलिया 4,00,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। एक तरह से ईशा का गुलीटा पिता के एंटीलिया से लगभग 8 गुना छोटा है। तो क्या आप भी ऐसे किसी आलीशान घर में रहने का सपना देखते हैं? और कैसा लगा आप लोगों को ईशा अंबानी का यह घर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां लेकर हम आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू।